हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आज आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, एमसीक्यू बेस पेपर हुआ है, उसके एमसीक्यूज के आंसर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका आया था, क्वेश्चन ऑर्डर चेंज था, किसी में फर्स्ट होगा, किसी में लास्ट होगा, किसी का मिडिल का होगा। तो इससे मतलब नहीं है, केवल मतलब हमको एमसीक्यू से है कि कौन सा एमसीक्यू आया था। तो जब पहला एमसीक्यू था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेज सेकंड मेटाबॉलिक रिएक्शन, या इसमें कुछ इस टाइप से मेटाबॉलिज्म फेज सेकंड रिएक्शन कुछ लोगों में ऐसे पूछा गया होगा। तो उसमें से आपको ऑप्शन दिया गया था एसिटाइलेशन, कंजुगेशन एंड सल्फाइड कंजुगेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो एसिटाइलेशन एंड कंजुगेशन है, ये हमारी क्या है, फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है। और जो सल्फाइड कंजुगेशन होती है, वो हमारे कंजुगेशन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑल ऑफ द अबव आंसर लगाया होगा या टिक लगाया होगा, तो उनका आंसर यहां पे सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एन एग्जांपल ऑफ द ड्रग फ्रॉम नार्कोटिक एनाल्जेसिक क्लास, मतलब कहने का क्या है, आपको चार ऑप्शन दे दिए गए थे जिसमें शायद एम्फिटामिन वगैरह था। उसमें से आपको यह बताना था कि कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। अगर वहाँ पे मॉर्फिन दिया रहता तो आप मॉर्फिन लगाते, लेकिन मॉर्फिन की जगह वहाँ पे कोडीन दे दिया गया था, इसलिए यहाँ पर आपके ऑप्शन कोडीन सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, टाइप ऑफ द बायो आइसोस्टीयर, मतलब बायो आइसोस्टीयर उसके टाइप क्या थे। तो वहाँ पर आपको क्लासिकल लगाना था, वहाँ पर ऑप्टिकल वगैरह भी दिया था, रेडिकल भी दिया था, लेकिन आपको क्लासिकल ही लगाना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, जैसे कि आपने फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, तो उसी टाइप से हमारी फाइटोकेमिकल, कुछ लोगों में ये दो टाइप के क्वेश्चन आया है। मेरे पास स्क्रीनशॉट आया, मैंने देखा कि एक किसी में पूछा गया फाइटोकेमिकल, किसी में पूछा गया फिजिकोकेमिकल। तो ऐसा नहीं है कि दोनों का सेम ही है। तो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी जो थी हमारी, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं थी, इसका मतलब। और बाकी जो हमारी जैसे पार्टीशन कोफिशियंट, आयोनाइजेशन, सोलिबिलिटी, एटीसी वगैरह जो थी हमारी, फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज थी। तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर, मतलब ओपियोइड रिसेप्टर कौन सा नहीं था। तो ओपियोइड जो होता है मेनली तीन टाइप के होते हैं, और जो अल्फा रिसेप्टर होता है वो आपका एडिनेजिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है, वो हमारा ओपियोइड नहीं होता है, ठीक है, जिसमें हमारा म्यू वगैरह दिया हुआ था। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर, तो आपका अल्फा रिसेप्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एंटी साइकोटिक ड्रग, मतलब उसमें आपको ऑप्शन दिया गया था, उसमें से आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, जैसे सल्फाइड, मोलिडोन, क्लोराम प्रोमाजीन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या एंटी साइकोटिक ड्रग ही है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑल ऑफ द अबव आंसर लगाया होगा, टिक किया होगा, उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल केमिकल मैसेंजर फ्रॉम द कोलिनर्जिक सिस्टम या वो पैरासिम्पेथिक नर्वस सिस्टम। तो जैसा कि आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते आए, मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़े हैं, फार्माकोलॉजी भी मैंने आपको पढ़ाई है, तो उसमें भी मैंने बताया कि जो हमारी एसिटाइल कोलिन होती है, वो आपकी क्या होती है, नेचुरल केमिकल मैसेंजर होते हैं। वो क्या करते हैं, जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होते हैं उसको कैरी आउट करते हैं, उसके संदेश को आते जाते लेके जाते हैं। उसके बाद आपको डैश हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू बायो ट्रांसफॉर्म ड्रग, आपको वहाँ पे ऑर्गन के नेम भी दिए गए, जैसे स्टोमच, इंटेस्टाइन, ठीक है, लीवर और ब्रेन भी दिया गया था। तो उसमें से ग्रेटेस्ट कैपेसिटी किसकी होती है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जो लीवर होता है हमारा, उसमें हमारे फर्स्ट फेज सेकंड दोनों टाइप की रिएक्शन हमारी होती है, क्योंकि वहीं से एंजाइम इंडक्शन होता है। हमने ये भी पढ़ा, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इंडक्शन होता कैसे है, उस लीवर से कैसे रिलेट करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, हमने फार्माकोलॉजी में आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने लीवर ऑप्शन सही लगाया था, वो आप ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसोब्यूटाइल बेंजीन इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द, मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा घुमा के पूछा गया था, मतलब यहाँ पर इस तरह से नहीं पूछा गया था, इबुप्रोफेन के सिंथेसिस के लिए सबसे प्राइमरी कंपाउंड कौन सा है, तो आपको आइसोब्यूटाइल बेंजीन लगाना था, लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछ लिया गया कि आइसोब्यूटाइल बेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द। तो यहाँ पर आपको इबुप्रोफेन या इबुप्रोफेन जो हमारा ऑप्शन है, वो जिन लोगों ने सही लगाया होगा उनका ऑप्शन सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोपेनॉल इज, तो प्रोपेनॉल हमारी क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। और एक चीज और, अगर जिन लोगों ने पीवी से पढ़ के एग्जाम दिया होगा, उन्होंने बीटा टू ब्लॉकर लगाया होगा, ये कंफर्म मैं बता सकता हूं। तो यहां पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। उसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, डैश अमोनियम ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द पैरासिम्पेथेटिक एजेंट, तो वहाँ पर आपको
प्राइमरी, क्वार्टनरी, टर्जरी, ठीक है, इसी टाइप के दिए थे, तो वहाँ पर आपका क्वार्टनरी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, ठीक है, तो यहाँ पर कुल लोगों ने क्लोराम्जीपाम भी लगाया हुआ है, तो वो बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो जोल्पीडेम है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने जोल्पीडेम लगाया हुआ है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द रिसेप्टर एट विच एसिटाइल कोलिन बाइंड, मतलब उस रिसेप्टर का नाम बताइए जिसके साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है। तो एनएम रिसेप्टर आपके जैसे निकोटिनिक मस्कुलिन दोनों रिसेप्टर जो हमारे होते हैं वहाँ से हमारी एसिटाइल कोलिन बाइंड अप करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग, मतलब कौन सी ऐसी जो ड्रग है एंटीसाइकोटिक ड्रग है, सल्फाइड, मेलिडोन एंड क्लोरप्रोमाजिन, तो ऑल ऑफ दी अबव जिन्होंने आंसर लगाया होगा उनका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आया था सब्जेक्ट का नाम बताने के लिए, डैश इंक्लूड द स्टडी ऑफ द एक्जाइटिन ड्रग, देयर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, टॉक्सिक इफेक्ट एंड QSR, मतलब क्वालिटी जो हमारी होती है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब क्वालिटी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ठीक है, QSAR, जो कि हमारा फोर्थ ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट ये आएगा, तो ये हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द फेंटानिल, मतलब फेंटानिल में कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर आपकी पिप्राडिन रिंग प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द टोलाजोलिन, मतलब टोलाजोलिन में कौन सा हमारी मॉलिटी प्रेजेंट होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब आल ड्रग्स वन वीडियो वाला जो वीडियो आपको बताया था सीरीज दिखाई थी आपको, या वहाँ पर मैंने आपको जो पढ़ाया था वहाँ पर मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो वहाँ पर हमारे क्या रिंग पर कौन सी न्यूक्लियस रिंग प्रेजेंट होती है, वहाँ पर इमिडाजोल भी हेट्रोसाइक्लिक इमिडाजोल रिंग वहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिंग प्रेजेंट इन द मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट है। अब कुछ लोगों ने गूगल पे सर्च किया हुआ होगा तो उनको पिप्राडिन ऑप्शन मिला होगा, लेकिन वो पिप्राडिन ऑप्शन बिल्कुल गलत है, वहां पर आपको साइक्लोहेक्सेन ही क्लिक करना था। तो जिन लोगों ने साइक्लोहेक्सेन क्लिक किया होगा उन लोगों का आंसर एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइम इन्वॉल्व इन द कैटाबोलिज्म ऑफ द एसिटाइल कोलिन, मतलब एसिटाइल कोलिन का जो मेटाबोलिज्म होता है या कैटाबोलिज्म होता है उसमें कौन सा एंजाइम जो होता है इन्वॉल्व होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एसिटाइल कोलिन स्टेज जो एंजाइम होता है वो एसिटाइल कोलिन को दो पार्ट में एसिटिक एसिड एंड कोलिन में बांट देता है, तो इसका हो जाता है कैटाबोलिज्म। तो यहाँ पर जिन्होंने एसिटाइल कोलिन स्टेज ऑप्शन लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा प्रोजाकोइन इजा, मतलब जो प्राजोकाइन है वो हमारा क्या है, तो हमारा एक अल्फा ब्लॉकर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मुस्कुरानिक एंटागोनिस्ट आल्सो कॉल्ड, मतलब जो मुस्कुरानिक एंटागोनिस्ट होते हैं उसको और किस नाम से जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मुस्कुरानिक निकोटिन रिसेप्टर होता है वो कोलिन स्टेज मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम मतलब पैरासिम्पेथोमिमेटिक एक्शन या पैरासिम्पेथोमिमेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है, तो उसके एंटागोनिस्ट को आप क्या करेंगे, तो कोलिनर्जिक सिस्टम अगर कोलिनोमिमेटिक अगर उसी की तरह काम करेंगे और उसके अगेंस्ट काम करेंगे मतलब एंटा काम करेंगे तो कोलिनोलाइटिक, तो यहाँ पर आपको कोलिनोलाइटिक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द एसिटाइल कोलिन, अब यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज हो गए, कुछ लोगों ने एपिनेफ्रिन के लिए यहाँ पर टायरोसिन फिनाइल एलानामिन ये सारे ऑप्शन लगाए होंगे, मैक्सिमम लोगों ने हमारे पास मैसेज आया तो हमने देखा कि उन्होंने तब उनका हमने सही करवाया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो एलानिन ही बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्टार्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फिनोटोइन, मतलब फिनोटोइन का जो सिंथेसिस होती है वो आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, आपने लैब में भी इसको परफॉर्म किया हुआ था, यूरिया एंड बेंजीन इसका जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है, जिन लोगों ने लैब में परफॉर्म किया होगा उन लोगों के लिए वेरी इजी क्वेश्चन हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इथोसक्सीमाइड बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लास ऑफ द एंटी कॉन्वेलेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इथोसक्सीमाइड की क्लासिफिकेशन बताना था, तो हमारी सक्सीमाइड कैटेगरी की ड्रग होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन स्टिमुलेट बाय, मतलब जो हमारी रेस्ट एंड डाइजेस्ट पोजीशन होती है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट की जाती है, तो हमारे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा वो स्टिमुलेट की जाती है, तो यहाँ पर आपका पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कंपाउंड और ग्रुप हैविंग सेम नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन इट, तो ये सब भी जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसको आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द डाइएजिपाम, जो डाइएजिपाम की जो सिंथेसिस होती है उसमें किस टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, तो उसमें आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप की रिएक्शन देखने को मिलती है, इसलिए यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, टू एसिटॉक्सिल एथाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम क्लोराइड इज द IUPAC नेम ऑफ दी, तो इसका आपको IUPAC नेम बताना था, तो यहाँ पर जो आपका एसिटाइल कोलिन है ये उसी का IUPAC नेम है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाना है।
उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, हेलोपेरिडॉल बिलोंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ द एंटीसाइकोटिक, मतलब जो हेलोपेरिडॉल होता है वो किस एंटीसाइकोटिक ड्रग से जाके रिलेट करता है या किस क्लास के ड्रग से जाके रिलेट करता है। तो वहाँ पर आपका फ्लोरो ब्यूटरो फिनोन ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो जिन लोगों ने इस ऑप्शन को लगाया होगा उनका बिल्कुल आंसर सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सल्ब्यूटामॉल इज, मतलब सल्ब्यूटामॉल का आपको नेचर बताना था। अगर जिसने सिलेबस भी पढ़ा होगा तो उसने भी इसका आंसर एकदम परफेक्ट दिया होगा। तो डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक जो ड्रग होती है वो हमारी सल्ब्यूटामॉल के अंतर्गत में, या सॉरी जो सल्ब्यूटामॉल होती है हमारी डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्पायरिन अंडरगो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म बाय एंजाइम स्टेरेज एंड कन्वर्ट इनटू दी, मतलब एस्पायरिन का जब आप मेटाबॉलिज्म करवाते हैं या मेटाबॉलिज्म होता है तो किस चीज में कन्वर्ट होता है, तो वो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और इसी सैलिसिलिक से रिलेटेड एक आंसर आपका और दिया गया था, तो वो कुछ लोगों ने उसको लगाया, कुछ लोगों ने सैलिसिलिक एसिड लगाया, लेकिन जिन लोगों ने सैलिसिलिक एसिड लगाया उनका बिल्कुल एकदम 100% सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन का, ड्रग डेट इंड्यूस स्लीप रिजेंबली नेचुरल स्लीप इज कॉल्ड, अगर यहाँ पर अगर आपको स्लीप नहीं कॉज, मतलब विदाउट स्लीपिंग अगर ऐसा पूछा जाता है तो यहाँ पर आप सेडेटिव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या अगर नींद लेकर आ रहा है तो वो आपके क्या जगह हिप्नोटिक टाइप की ड्रग हो जाती है। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बारबिट्यूरेटेज, मतलब जो बारबिट्यूरेट होता है वो किस टाइप का होता है, इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है क्योंकि बारबिट्यूरेट का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि साइकिल जो होती है वो सैचुरेटेड साइकिल होती है, लेकिन जब उसके बाहरी आवरण को आप देखेंगे तो वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सिक्स मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग विथ टू नाइट्रोजन एटम, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। कुछ लोगों ने सैचुरेटेड भी लगाया क्योंकि उनको यह मालूम था कि जो बारबिट्यूरेट की जो अंदर की रिंग होती है वो सैचुरेट होती है, लेकिन उस रिंग के साथ जितने भी सब्सटिट्यूएंट लगे होते हैं हमारी अनसैचुरेट होती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चूज द कोलिन स्टेज रिएक्टिवेटर, मतलब आपको कोलिन स्टेज रिएक्टिवेटर को चूज करना था, और हमारे सिलेबस में केवल एक ही ये ड्रग दी गई है जो कोलिन स्टेज रिएक्टिवेटर, वो भी प्रोलिडॉक्सिम दी गई थी जिसका नाम प्रोलिडॉक्सिम क्लोराइड करके आया हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैडेस इज अ डिसोसिएटिव एनास्थेटिक, तो जो कीटामाइन है वो आपकी एक प्रकार की डिसोसिएटिव एनास्थेटिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डाइसाइक्लोएमाइन बिलोंग टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, इसमें बहुत लोगों ने एमाइनो एल्कोहल, बहुत लोगों ने एमाइनो ईथर और बहुत लोगों ने एमाइनो ईस्टर लगाया हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने एमाइनो ईस्टर लगाया हुआ है उनका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग डैट प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट टू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ऐसी ड्रग को आप क्या बोलेंगे, तो इसको आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे सिंपैथोमिमेटिक ड्रग ही उसको बोलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिनोथायाजीन एज, मतलब जो फिनोथायाजीन है वो क्या है, तो यहाँ पर बाईसाइक्लिक एंड ट्राईसाइक्लिक दोनों दिया गया था, लेकिन वो हमारी क्या होती है, ट्राईसाइक्लिक होती है, वो भी फ्यूज्ड रिंग होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडोल डेरिवेटिव ड्रग, मतलब आपको इंडोल डेरिवेटिव के ड्रग आपको बतानी थी, तो इंडोमेथासिन होती है जो कि नॉन स्टेराइडेड एंटी इन्फ्लामेटरी पोटेंट ड्रग होती है, वो इंडोल डेरिवेटिव होती है। आपने इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्कोलाइड बिलोंगिंग टू द डैडेडेस फैमिली आर यूज द एंटी कोलिनर्जिक्स, मतलब उस या सीधा सीधा कोलिनर्जिक एल्कोलाइड किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सोलेनेसिए फैमिली से। हमने कोकनोसी में भी फोर्थ यूनिट में इसके जानकारी हमने ली थी और इसको मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट, मतलब नार्कोटिक एंटागोनिस्ट का एग्जांपल आपको देना था, तो नेलॉक्सोन जो है वो आपका क्या है, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैडेडेस इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द एपिनेफ्रिन एंड द नॉन एपिनेफ्रिन, तो वहाँ पर आपका एल मतलब लिवो फेनाइल एनालिन आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रोसेस ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द ड्रग बाय लिविंग ऑर्गेनम, तो इसको तो आप मेटाबॉलिज्म जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डैडेडेस इज एन एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, मतलब आपको एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव बताना था, तो जो मेफनेमिक एसिड होता है ये अपने कुकनोसी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एन एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कॉक्स टू इनहिबिटर पूछा गया था, तो ये आपका होता है सेलिकॉक्सिब, ये आपने जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के यूजेस के बारे में पढ़ रहे थे तब भी वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है, तो ये हमारा सेलिकॉक्सिब हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनाइल एंड
क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड आर यूज टू सिंथेसिस ऑफ, मतलब फेनाइल एंड क्लोरोएसिटाइल का किस लिए यूज किया जाता था, तो सल्बुटामॉल की सिंथेसिस के लिए। उसके बाद जो नॉन कैटाकोलामाइंस आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना था, जो एफिड्रीन है वो आपकी नॉन कैटाकोलामाइंस है। अब बच रहे हैं तीन क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अगर आपको आपका आंसर क्वेश्चन सही रहता है तो आपको आंसर वहीं पर तुरंत मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आप लोग अपने अपने सारे आंसर को मिला लीजिएगा, अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये आंसर की एकदम राइट है, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख के मैंने इसको बनाया हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। बाकी के तीन क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, क्योंकि मुझको वो तीन क्वेश्चन नहीं पता है, ना मेरे पास आया हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।